हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर अग्रिमा रावत. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर 1, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड. व्हाट लिविंग वर्ल्ड इज़, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस इन लिविंग वर्ल्ड एंड व्हाट अदर थिंग्स हैव बीन डन इन फॉर दिस लिविंग वर्ल्ड, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डाइवर्स वर्ल्ड अराउंड हेयर इन द लिविंग organisms. So we are going to talk about that in this chapter. So let us move forward. So what is living? First we should be knowing which of the organisms or the things we can tell that this is what living is, living thing is. Okay, so there are going to be some characteristics for it. That first characteristic is growth. Okay, so growth, what do we mean by growth? Growth is an overall increase in the mass or size of tissue or organism or its parts is called growth. अगर किसी भी चीज़ का mass बढ़ रहा है, मतलब उसके अंदर से जो उसका एक तरह से जो उसका कंटेंट है दैट इज़ इंक्रीजिंग, और उसका साइज इंक्रीज़ हो रहा है, उसके टिश्यूज़ का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिज्म का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर कोई भी चीज़ है उसका कोई भी पार्ट इंक्रीज़ हो रहा है साइज़ में या मास में, सो दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रोथ. ओके, सो दिस इज़ व्हाट ग्रोथ इज़. नाउ इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन करेक्टर्स ऑफ ग्रोथ. दिस इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और इवन एन इंडिविजुअल सेल. तो जो मास में इंक्रीज होना और नंबर में इंक्रीज होना जो आपकी सेल्स हैं वो एक ट्विन करेक्टर्स है. मतलब ग्रोथ में जो नंबर है सेल का हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, दैट ऑल्सो इंक्रीज, और मास भी इंक्रीज होता है साथ साथ में, ठीक है, उसी की वजह से. तो ये आपके इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है. अगर ये एक बार हो गए किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या पार्ट में तो ये परमानेंट है, ठीक है, ये आप रिवर्स नहीं कर सकते इसे. ओके, नाउ ग्रोथ इज़ ऑफ टू टाइप्स. ग्रोथ जो होती है दो तरह की होती है, वन इज़ इंट्रेंसिंग एंड सेकेंड इज एक्सट्रेंसिंग. वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय द नेम इट्सेल्फ. इंट्रेंसिंग, इंट्रेंसिंग मतलब होता है अंदर, ठीक है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई भी ग्रोथ अंदर हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रेंसिक ग्रोथ. और एक्सट्रेंसिक ग्रोथ बहुत आराम से आप नाम से ही जान सकते हैं, एक्सट्रेंसिक मतलब बाहर होने वाली ग्रोथ, मतलब ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अब कोई सा भी ऑर्गेनिज्म होता है, हो सकता है कोई भी बॉडी सरफेस है उसके ऊपर अगर कोई चीज़ इकट्ठा हो रही है आके तो उसे हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं. ये ज़्यादातर जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है वो देखने को मिलती है आपके नॉन लिविंग थिंग्स में, ठीक है. तो इंट्रिंसिक ग्रोथ तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग लाइफ की, क्योंकि अगर अंदर की साइड ग्रोथ हो रही है किसी भी चीज़ की, जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हमारी बॉडी का और एक स्टोन का. सो ह्यूमन्स ह्यूमन के अंदर जो बॉडी, जो ह्यूमन की बॉडी है, ऑब्वियसली आप छोटे से बड़े हो गए तो आपकी बॉडी में इंक्रीज हुए सेल, नंबर ऑफ सेल अंदर हो रहे हैं बॉडी के, ठीक है, तो आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. बट जो स्टोन है, ठीक है, एक स्टोन जो है उसकी बॉडी उस वो साइज में बड़ा नहीं होता कभी भी, ठीक है, ऐसी कोई ग्रोथ नहीं हो रही. उसके बाहर एक्यूमुलेशन हो सकता है, मिट्टी उसके ऊपर ऊपर आके इकट्ठा हो सकती है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ हो रही है, बट वो क्या हो रहा है अंदर, उसकी अंदर अंदर नहीं, कोई सेल नहीं है, कोई पार्ट नहीं है जो कि इंक्रीज़ कर रहा है उसकी ग्रोथ को, ठीक है, इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ओके, तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ की, मतलब इसको देखकर आप बोल सकते हैं कि हाँ, कि अगर ऐसी ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब ये चीज़ लिविंग है. बट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को हम देख के ऐसा नहीं कह सकते, जैसे मैंने अभी एग्जांपल स्टोन को दिया आपको. ओके, नाउ इंट्रिंसिक ग्रोथ इज़ ऑफ टू टाइप्स. जो अंदर जो ग्रोथ होती है और किसी भी ऑर्गेनिज्म के वो दो तरह की हो सकती है.
इनडिटर्मिनेट या फिर हम इसे अनलिमिटेड ग्रोथ भी कहते हैं, और डिटर्मिनेट मतलब लिमिटेड। अब इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या है? ग्रोथ विच अकर्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। जैसे प्लांट्स में आपने देखा होगा, प्लांट्स नॉर्मली जब तक उनकी लाइफ होती है तब तक वो बढ़ते रहते हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं है, हाइट नहीं है कि इतना तक बढ़ेंगे या चौड़ाई में नहीं बढ़ेंगे, इसके बाद नहीं बढ़ेंगे, इस एज के बाद इतने 10 साल बाद इतना इनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। वो थ्रू आउट लाइफ स्पैन उनकी ये ग्रोथ चलती रहती है, तो ये इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है। और डिटर्मिनेट ग्रोथ हम किसे कहते हैं? जो एक सर्टेन एज तक होती है, जैसे ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर एज तक ही हमारी हाइट और हमारी बॉडी में जो इंक्रीज होना होता है ज़्यादातर एक पर्टिकुलर एज तक ही होता है। थोड़ा बहुत आपके बाद में रिप्लेसमेंट होते हैं टिश्यूज़ के, बट ज़्यादातर आपकी जो ग्रोथ है आपकी बॉडी में वो एक पर्टिकुलर सर्टेन एज तक ही होती है। ठीक है, फैट इंक्रीज़ होना दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो डिटर्मिनेट ग्रोथ या लिमिटेड ग्रोथ एक पर्टिकुलर सर्टेन एज तक आपकी पर्टिकुलर हाइट बढ़ेगी, आपकी मास आपकी बॉडी का बढ़ेगा, मसल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एज तक होते हैं, तो इसे डिटर्मिनेट या लिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो इंट्रेंसिक ग्रोथ के ये दो टाइप्स हैं। सो ग्रोथ जो है, अभी मैंने आपको ग्रोथ के बारे में बताया, तो ग्रोथ इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक दो तरह की हैं। ठीक है, तो ग्रोथ प्रॉपरली हम देख के नहीं बोल सकते कि अगर कोई भी चीज़ है वो ग्रो कर रही है तो पक्का वो लिविंग है, हम नहीं कह सकते। एक स्टोन भी ग्रो कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर एक्यूमुलेशन हो सकता है किसी भी चीज़ का, मिट्टी वगैरह का, या कोई भी और चीज़ उसके ऊपर इकट्ठा हो सकती है, तो उससे भी वो ग्रो कर सकता है। बट हम इसी वजह से हम ग्रोथ को डिफाइनिंग करेक्टर नहीं बोल सकते, किसका? आपका लिविंग होने का। ठीक है, पक्का नहीं हो सकता कि ये चीज़ लिविंग ही है, अगर ये ग्रो कर रही है तो ये लिविंग ही है, पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक दो तरह की ग्रोथ्स हैं। ठीक है, नाउ द सेकेंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोडक्शन। अब इसके बारे में समझते हैं। रिप्रोडक्शन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन द 10th क्लास ऑल्सो। प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। जब एक ऑर्गेनिज्म एक नए इंडिविजुअल को जन्म देता है, या प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब नए, जो आपका न्यू ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग जिनके बारे में आपने टर्म सुना होगा, तो वो इंडिविजुअल जो नया आया है, ठीक है, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन जो है एक तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में होता है, जहाँ पे जो आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो प्रोजेनी बनती है उसमें मोर और लेस पेरेंट्स जैसा थोड़े बहुत सिमिलर करेक्टर्स होते हैं, है ना, मतलब थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं हमारे। जैसे हम ह्यूमंस का एग्जांपल ले लें, हम ऑलमोस्ट अपने पेरेंट्स जैसे हैं बट पूरी तरह से अपने पेरेंट्स जैसे नहीं हैं, तो मतलब बहुत सारे करेक्टर्स हमारे पेरेंट्स जैसे हैं। जैसे हम ह्यूमन से पैदा हुए हैं तो हम ह्यूमन ही हैं, बट हमारे अंदर फीचर्स थोड़े अलग हैं, फेशियल करेक्टर्स अलग हैं, थोड़ी बहुत आदतें अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक चीज़ होती है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, ओके, एंड अमीबा, तो ये जो हैं, ये अमीबा वगैरह जो भी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, ये नंबर में इंक्रीज़ करते हैं। तो नंबर में इंक्रीज़, हमने इसके बारे में 10th क्लास में रिप्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है कि एक अमीबा जो है वो दो में टूट जाता है। ठीक है, दो में डिवाइड हो गया, नंबर इंक्रीज़ हुए बट रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है ऑलमोस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेम ही है। ग्रोथ तो हुई, बड़ा, बट रिप्रोडक्शन के लिए बड़ा। ठीक है, तो दोनों सेम ही चीज़ चलती हैं यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में। तो रिप्रोडक्शन जो है कुछ ऑर्गेनिज़म्स में, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज़म में नहीं मिलती, जैसे कि म्यूल, म्यूल मतलब खच्चर कहते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो नए ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते क्योंकि ये आर्टिफिशियली बनाए गए थे। ठीक है, तो ये क्या नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और अगर ह्यूमंस भी हैं, स्टेराइल ह्यूमन कपल, स्टेराइल मतलब जो जिनके बच्चा नहीं हो सकता, ठीक है, हाँ, हिंदी में हम बांझ कह सकते हैं, जिनकी बॉडी फर्टिलाइज नहीं कर पाती, तो, और वर्कर बीज भी हैं एग्जांपल इसके, वर्कर बीज होती हैं। बीज की फैमिली में तीन मेंबर्स होते हैं जिसमें से एक वर्कर बीज होती हैं, तो वर्कर बीज रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। ठीक है,
अब म्यूल है ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स हैं और वर्कर बीज हैं, ये सारे लिविंग है बट रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो क्या हम इन्हें नॉन लिविंग कहेंगे? नहीं कहेंगे, है ना। तो रिप्रोडक्शन को भी हम प्रॉपरली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म ठहराने की, कि हम पक्का बोल सकें कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज़ रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो लिविंग नहीं है। हम डिफाइनिंग करेक्टर नहीं मान सकते इसे लिविंग होने या ना होने का, ठीक है। अब सेक्शुअल जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरह के होते हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। थोड़ा ब्रीफ में इसे पढ़ लेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी न्यू लर्न अबाउट इट इन द 10th क्लास ऑल्सो। सो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इन विच नो फ्यूजन ऑफ गैमीट टेक्स प्लेस और कोई मियोसिस नहीं होता। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो गैमीट प्रोड्यूस करता है अपनी बॉडी में से, हाफ अपने करेक्टर्स आगे भेजता है ताकि वो गैमीट्स जैसे एग और स्पर्म फ्यूज करके नया ऑर्गेनिज्म बना दे, ठीक है। तो मियोसिस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे ही। तो रिप्रोडक्शन, अगर फर्टिलाइजेशन के जो बिना रिप्रोडक्शन हो रहा है जिसमें कोई गैमेट फ्यूजन नहीं है आपका, कोई मियोसिस नहीं हो रहा है, तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें बहुत सारे तरीके हैं एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने के, स्पोर्स के थ्रू, ठीक है, जो कि स्पोर्स कैसे होते हैं जैसे सीड होता है उसी तरह का कुछ होता है, तो ये एसेक्सुअली बने होते हैं। एल्गी फंजाई में इन्हें देखा जाता है। बडिंग होती है, हाइड्रा में देख रखी है ये, जैसे इसमें से बर्ड जैसा निकल आएगा और ये नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, राइट। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में एक ऐसे आपका फंजा या प्रोटीनेमा का एग्जांपल ले लेते हैं, ये हिस्सों में टूट जाएगा, ठीक है, बहुत सारे हिस्सों में, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो रिप्रोडक्शन के लिए ये कुछ इस तरह से टूट जाते हैं और जो भी टूटे हुए हिस्से होते हैं, अलग अलग हुए हिस्से होते हैं, वो नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, तो ये भी एक तरीका है। रीजनरेशन क्या होता है, जो अलग हुई बॉडी है या कोई लॉस्ट पार्ट है बॉडी का, जैसे आपने कुछ आपके प्लेनेरिया एक एग्जांपल है इसका, जिसमें कि प्लेनेरिया ये करता है कि वो जो उसके अलग अलग हुए हिस्से होते हैं या उसके अगर बॉडी पार्ट कोई टूट गया तो वो पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक है। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन ज़्यादातर सेम ही है। रीजनरेशन का मतलब ज़्यादातर हम लॉस्ट पार्ट से मानते हैं कि अगर कोई हिस्सा टूट गया, अलग हो गया, तो उससे पूरा ऑर्गेनिज्म दोबारा से बन सकता है। ये चीज़ आपने लिजर्ड वगैरह में बहुत ज़्यादा देखी होगी, आपके घरों में अगर आपने कभी देखा हो तो, अगर लिजर्ड की पूँछ कट जाए तो वो दोबारा से हो जाती है, ठीक है। ये रीजनरेशन है, रिपेयरिंग का तरीका है, रिपेयर कर लेता है वो अपनी बॉडी पार्ट को, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि लिजर्ड की सर कट गया तो वो दोबारा से आएगा, नहीं, उसका एक पर्टिकुलर जो पूंछ वाला पार्ट है वो तो आ सकता है, हर पार्ट नहीं रीजनरेट हो सकता है, ठीक है। फिर हम एग्जांपल लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका, उसमें गैमीट फॉर्मेशन होती है जो कि मियोसिस के थ्रू होता है। इसमें जो गैमीट्स हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, ह्यूमंस में मेल से स्पर्म प्रोड्यूस होता है गैमीट और फीमेल से एग प्रोड्यूस होता है, और ये दोनों फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और नया इंडिविजुअल उससे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, और इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें आगे इसके बारे में पढ़ना ही है, ओके। Now the next characteristic of the living is metabolism. Metabolism, what do we understand by metabolism? It is a new term for you. Okay, एक नया term है metabolism, उसको पढ़ते हैं हम। हमारी body में बहुत सारे chemical reactions होते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना digest करने के लिए भी बहुत सारे chemical reactions हमारी body में चल रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ रखा होगा, हमारे मुंह में जब हम खाना डालते हैं तो मुंह में ही सलाइवा आता है जिसमें सलेवरी अमाइलेज निकलता है और वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है ना, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है हमारी बॉडी में।
वैसे ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपने पढ़ रखा होगा, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसमें भी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं। तो हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी रिएक्शन चलती हैं, ये सारी जो रिएक्शन है इन्हें मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं हमारी बॉडी का। ओके, ऑल ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एज वेल एज अ नॉन सॉरी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर बोथ एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। चाहे कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें आपको मेटाबॉलिज्म देखने को मिलती ही मिलती है, किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो। बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में आपको मेटाबॉलिज्म नहीं देखने को मिलेगा। एक स्टोन में आपको मेटाबॉलिज्म नहीं देखने को मिलेगा, एक मिट्टी है उसमें आपको मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानी जाती है लाइफ के लिए, मतलब लिविंग कह सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ में अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये लिविंग है, पक्का ये लिविंग है, ठीक है। अच्छा, द आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब्स इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। क्या होता है कि लेबोरेटरीज़ में बहुत सारी ऐसी जो हमारी बॉडी में रिएक्शन करवाई जाती है वो बाहर भी करवाई जाती हैं, ठीक है। अब वो ना ही नॉन लिविंग उसमें इन्वायरमेंट में हो रही है, ना ही लिविंग में हो रही है। तो तभी भी हम इस, क्योंकि ये सारी रिएक्शन हमारी बॉडी से ही सिमिलर है तो उसे भी हम लिविंग में ही मानते हैं, ठीक है। डेफिनेट आपका ये सब चीज़ें क्या हैं, लिविंग करेक्टर होने का आपका एक करेक्टरिस्टिक मानी जाएगी मेटाबॉलिज्म को। तो सबसे पहला डिफाइनिंग करेक्टर जो आपका लिविंग होने का एक सबूत है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यू हैव लर्न अबाउट दिस इन योर 8th क्लास ऑल्सो एंड फ्रॉम देयर यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, हमारी जो बॉडी है ऑर्गेनिजम्स की वो सेल से मिलकर बनी होती है। तो सेल क्या है, बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का। अगर सेल नहीं होगी तो लाइफ नहीं होती। तो सेल जो है आपकी, हर ऑर्गेनिज्म जो है सेल से मिलकर बना हुआ है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है अकेली अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं और वो अकेली सेल सारे काम कर लेती है अपनी लाइफ को चलाने के लिए, ठीक है। अब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ है जिसके पास सेल नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं जी सकता, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो। तो सेल जो है हमारी बॉडी का फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, मतलब हमारी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, चाहे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो स्ट्रक्चर भी सेल की बदौलत ही बन रखा है और सारे फंक्शंस जो हो रहे हैं हमारी बॉडी में वो भी सेल की बदौलत हो रहे हैं। तो जो आपकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई भी चीज़ है जो सेल से मिलकर बनी है तो पक्का वो क्या होगी, आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ये लाइफ की, मतलब वो चीज़ लिविंग होगी। बात समझ आ रही है। तो पहली करेक्टरिस्टिक्स थी मेटाबॉलिज्म, सेकंड हो गई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी क्या हो गई, डिफाइनिंग करेक्टर हो गया लिविंग होने का, मतलब पक्का सबूत है अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल है तो वो क्या होगा, लिविंग होगा पक्का, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 5th वन, दैट इज़ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है, ठीक है, कॉन्शियसनेस से हम क्या समझते हैं, इसको समझते हैं। चलिए, तो कॉन्शियसनेस क्या है, अपने सराउंडिंग को, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, जो आसपास की चीज़ें हैं आपकी, उसको सेंस करना और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करना। अब जैसे आपको गर्मी लगी, ठीक है, गर्म हो रहा है बाहर आपके एनवायरनमेंट में, बाहर जो एनवायरनमेंट है उसमें गर्म हो रहा है, तो आपकी बॉडी को क्या स्टिमुलाई मिला, स्टिमुलाई मतलब कोई भी आपकी सेंस आना आपकी बॉडी में, तो स्टिमुलाई है। गर्मी भी क्या है, एक स्टिमुलाई है आपकी बॉडी पे, स्टिमुलाई आया गर्म होने का और आपकी बॉडी इसको रिस्पॉन्ड कर रही है, पसीना आ रहा है आपकी बॉडी में, तो ये एक रिस्पॉन्स है। तो इसी को आप कहते हैं कॉन्शियसनेस, कि अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको सेंस करना और उसके अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्स करना, ठीक है। किसी ने आपको चूटी काटी,
तो वो स्टिमुलाई हुआ, आपने उसके उसके लिए रिस्पॉन्स दिया, आपने एकदम से पीछे हाथ डाल लिया या आपके मुंह से आवाज़ आई, तो ये रिस्पॉन्स था उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं आप, कॉन्शियसनेस। ओके, अब जो कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स, जैसे कि आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब में अलग अलग तरीके कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। अब कॉन्शियसनेस जो हो सकती है आपकी किसी भी चीज़ के सेंस को लेकर, वो फिज़िकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है, बायोलॉजिकल हो सकता है, कोई से भी टाइप के आपको अगर आपको स्टिमुलाई मिलता है आपकी बॉडी को, तो आपके सेंस ऑर्गन उसके अकॉर्डिंगली उसे सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करते हैं। अब प्लांट्स में, प्लांट्स भी सेंस करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि लाइट को के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, वाटर को के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, टेम्परेचर और अलग चीज़ों अदर जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा फोटो पीरियडिज्म, है ना, फोटो पीरियडिज्म आपने पढ़ा होगा। फोटो पीरियडिज्म इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट कैन लिव इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ उन्हें दिन का टाइम चाहिए, मतलब सूरज की गर्माहट चाहिए होती है, सूरज की एनर्जी चाहिए पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। कुछ प्लांट्स को लंबा टाइम चाहिए होता है सूरज का, ठीक है। तो जैसे कि गर्मियों के टाइम पे कुछ प्लांट्स सिर्फ गर्मियों के टाइम पे उगते हैं और कुछ सिर्फ सर्दियों के टाइम पे उग पाते हैं, तो वो उनका एक डिफरेंस है उनमें कि उन्हें सूरज की कितनी एनर्जी चाहिए। अगर ज़्यादा चाहिए उन्हें तो वो गर्मी में ज़्यादातर उगते हैं, ठीक है, और अगर उन्हें कम सन की ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़े लाइट से भी उनका काम चल जाता है, तो वो सर्दियों में उगाए जाते हैं, ठीक है। उनकी ग्रोथ उसी हिसाब से हो पाती है। तो फोटो पीरियडिज्म में प्लांट का एक सेंस है ना, सेंस कर रहा है सन की रेज को, सन की एनर्जी को, और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। एनिमल्स में भी ये देखने को मिलता है, सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं जो फर्टिलाइजेशन करते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही करते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, इनकी बॉडी में एक पर्टिकुलर पीरियड आता है जिस टाइम पे ये फर्टिलाइज कर पाते हैं, उसके अलावा किसी भी टाइम पे ये फर्टिलाइज नहीं कर पाते। तो एक पर्टिकुलर सीज़न होगा जहाँ जब कैपेबल हो पाते हैं वो ब्रीडिंग करने के, किसी भी सीज़न में वो ब्रीडिंग नहीं करेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये आपका सेंस है, कॉन्शियसनेस है इन्वायरमेंट को लेकर अपने, ओके। जो ह्यूमंस हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं अपने लिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम हमारा जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। नर्वस सिस्टम मतलब हमारा जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारी नर्व्स हैं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। ब्रेन तो हमारा बहुत ज़्यादा और ज़्यादा एनिमल से तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है ना, क्योंकि हमारी बॉडी में स्किल ऑफ कम्युनिकेशन भी है। तो ये सब चीज़ें मिलकर हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस बना देती है, ठीक है। हम अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, पहले ही सोच लेते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं कोई भी सिचुएशन को और उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशन को संभालते हैं, है ना। तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है। अब ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है डेड कोमा पेशेंट में भी देखने को मिलती है, ठीक है, सॉरी, सेल्फ कॉन्शियसनेस डेड कोमा पेशेंट में देखने को नहीं मिलती है, मतलब कोई आपका कोई पेशेंट है जिसको कोमा में चला गया वो, ठीक है। अब उसे हम क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है प्रॉपरली तो उसे डेड मान लिया, बट उसको मशीन पे आपने सपोर्ट पे रखा हुआ है, ठीक है, आपने उसके हार्ट और लंग्स जो मशीन हैं वो उसके हार्ट और लंग्स को रिप्लेस कर रही है एक तरह से, हार्ट उसे मशीन उसके हार्ट और लंग्स का काम कर रही है सारा। तो वो कॉन्शियस तो है, ठीक है, तो लिविंग है मतलब, बट अपने लिए सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, मतलब अगर कोई उसे मारने आएगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, है ना, सेल्फ कॉन्शियस रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, फास्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा अपने एनवायरनमेंट को समझ के, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके सारे जो ऑर्गन्स हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन छोड़ दिया है, तो ठीक है, इसलिए हम डेड कोमा पेशेंट कह रहे हैं उसे, ओके। बट जो कॉन्शियसनेस है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पक्का सबूत है। अगर कोई भी चीज़, क्योंकि प्लांट जो हैं सारे
वो अपने एनवायरनमेंट को देखकर अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स कर सकते हैं। एनिमल्स भी ऐसा करते हैं। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये क्या है? पक्का सबूत है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिविंग होने का। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस को देखकर हम बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ होगी, ये कोई भी चीज़ है, ये पक्का, अगर इसमें कॉन्शियसनेस है तो ये पक्का क्या है? लिविंग है। तो तीन करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी, कौन कौन सी? इसमें हमने तीन करेक्टरिस्टिक्स देखी, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ये तीन डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग करेक्टर नहीं मान सकते, मतलब पक्का सबूत नहीं बोल सकते। अगर कोई चीज़ ग्रो कर रही है, पक्का नहीं कह सकते उसे कि वो पक्का ही लिविंग होगी। कोई चीज़ रिप्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसको देखकर हम पक्का नहीं बता सकते कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, पक्की तरह से नहीं बोल सकते, सिर्फ इन दोनों चीज़ों के बदौलत। अगर वो चीज़ मेटाबॉलिज्म कर रही है तो पक्का बोल सकते हैं कि ये लिविंग है, अगर नहीं कर रही है तो नॉन लिविंग है। अगर उस चीज़ में सेल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वो सेल से मिलकर बनी है, तो पक्का लिविंग है। ठीक है, और अगर सेल से नहीं बनी हुई तो वो नॉन लिविंग है। ओके, और अगर उस चीज़ में कॉन्शियसनेस है, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्स स्टिमुलाई लेती है और रिस्पॉन्स करती है, तो वो पक्का लिविंग है। ठीक है, और अगर नहीं करती तो इसका मतलब वो नॉन लिविंग में हम कंसिडर करेंगे। ओके, क्लियर? सो दिस वॉज फॉर दिस वीडियो। इन फर्दर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेक्सोनॉमी, द अदर क्लासिफिकेशंस ऑफ दिस लिविंग वर्ल्ड। ओके, द डायवर्सिटी ऑफ दिस लिविंग वर्ल्ड। ओके, थैंक यू।